चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ जाइए इंटीरियर ज्ञान की डिजाइनिंग दुनिया से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज आप सभी का एक नए वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि जो आपका बेड का हेडबोर्ड होता है उसकी पैडिंग कैसी बनाई जाती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से जो हमारा बेड का हेडबोर्ड होता है उसकी पैडिंग बनाते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो में चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको हेडबोर्ड में जिस तरीका का आपको पैडिंग बनाना है, जिस डिज़ाइन में बनानी है दोस्तों, उसके अनुसार आपको प्लाईवुड का या फिर दोस्तों आप AMDF का टुकड़ा यूज कर सकते हैं, जो कि 6 mm के लगभग आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा आप मोटा भी ले सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको प्रॉपर उसी शेप में कटिंग कर लेना है जिस डिज़ाइन में आपको सेट करना है। कटिंग करने के बाद दोस्तों इसको पहले तो आपको एक बार फिट कर लेना है। फिट करने के बाद दोस्तों आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है फिट करने के टाइम कि सबसे पहले दोस्तों आपको चारों साइड में एक एक सूत का गैप रख लेना है, ताकि जो इसमें कपड़े वगैरह आएंगे दोस्तों, जो आपकी जो पैडिंग बनेगी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको चारों साइड में एक एक सूत का गैप करने के बाद इसको एक बार आप फिट कर लें। उसके बाद दोस्तों इसमें फोम वगैरह का काम चालू होगा। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा डिज़ाइन बनकर लगभग तैयार हो चुका है। इस तरीके से हमारा इसमें पैडिंग बनेगा, जो कि टोटल दोस्तों देख सकते हैं 12 पीस में है दोस्तों ये हमारा बेड में। तो इसके बाद दोस्तों हम 2 इंच का फोम यूज करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा फोम है, जो 2 इंच मोटाई है इसकी। इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, इसको जो आपका ये जो प्लाईवुड का टुकड़ा है इससे दोस्तों आपको आधा आधा इंच चारों साइड से बड़ा करके इस फोम को कटिंग करना है। दोस्तों चाहे तो इसको बराबर भी कटिंग कर सकते हैं, इसका एक तरीका बराबर कटिंग करने के बाद भी इसको फिट किया जाता है। हम इस दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे। इसको आपको आधा आधा इंच चारों तरफ से बढ़ा लेना है इसके, ताकि इसमें जो हमारा ओवल शेप में इस फोम को करना है, ताकि बड़ी आसानी के साथ ये ओवल शेप में हो जाए। इसको आधा आधा इंच बड़ा करने के बाद चारों साइड में दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम फेविकोल का जो SR होता है इसको यूज करेंगे। इसको चिपकाने के लिए जो हमारा SR होता है इसको हम चिपका देंगे। सबसे पहले हम प्लाईवुड में चिपकाएंगे। इसके प्लाईवुड के चारों जो धार होती है, इसके चारों धार के साइड में आपको लगा लेना है, और थोड़ा सा इसके धार के ऊपर वाले हिस्से में भी आपको लगा लेना है धार। और इसके बाद दोस्तों आप सेम इसी साइड से आप जो आपका फोम होगा उसके ऊपर की साइड के धार के साइड में आपको लगा लेना है इस SR को। उसके बाद सूखने के बाद थोड़ा सा दोस्तों इसको चिपका लेना है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से आपको चिपका लेना है ऊपर की धार। दोस्तों देख सकते हैं जहाँ पे हम लोगों ने SR यूज़ किया था उसको पकड़ करके इसको थोड़ा सा फोम को आपको अंदर करने के बाद दोस्तों जो ऊपर वाला सिरा होता है उसको आपको इस धार वाली साइड पे आपको इस तरीके से चिपका देना है। चिपकाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये तकिए का रूप ले लेगा दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं जो हमारा ये फोम है ये प्लाईवुड पर अटैच हो चुका है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से ही बनाया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये लगभग रेडी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कपड़े कटिंग करने का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे हम हमारा जो फैब्रिक होता है कोई सा भी कपड़ा हो तो उसको आप सबसे पहले इसको कटिंग करना पड़ेगा। तो कटिंग करने के लिए सबसे दोस्तों इसको कपड़े को थोड़ा सा आपको बड़ा ही कटिंग कर लेना है कि चारों साइड से इसमें पंच होगा इसको फंसाने के लिए कपड़े को पीछे की साइड में। तो थोड़ा सा आपको 2-2 इंच बड़ा ही कटिंग कर लेना है चारों साइड से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जो हमारा ये बड़ा वाला स्टेपलर होता है उसकी सहायता से दोस्तों इसको चारों साइड से इसको पंच कर लेना है प्लाईवुड में दोस्तों। पंच करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा लगभग बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको बनाना है आप लोगों को, काफ़ी आसान है। और आपकी इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं हथौड़ी से आपको थोड़ा सा इसमें ठोक देना है, ताकि जो हमारा पंच होता है वो अंदर तक चला जाए, निकले ना। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये लगभग मेरा एक तैयार हो चुका है।
तो यहाँ पे सारे हेडबोर्ड के पैडिंग्स तैयार हो चुके हैं और इसको दोस्तों फिट करना है। तो फिट करने के लिए दोस्तों आप इसमें कील वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि चारों साइड में एक एक कील लगाई जाती है। बट दोस्तों इस जो कलर और हर चीज़ के हिसाब से लगाई जाती है, यहाँ पे दोस्तों वाइट कलर है तो यहाँ पे हम लोग कील वगैरह नहीं लगा सकते। तो इसके बाद दोस्तों हमको इसको चिपकाने के लिए जो हमारा 25mm का वेलक्रो स्ट्रिप है दोस्तों, जो कि हमारा ये फासनर होता है, जो वेलक्रो टेप है, इसको सबसे पहले दोस्तों जिस भी साइज़ में है आपका ये चारों साइड में दोस्तों देख सकते हैं, इसको फिर लगाने के बाद वही स्टेपलर कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी हमारा वाइट है तो इसमें हम नेलिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसको चिपकाने के लिए वेलक्रो ही यूज कर रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से आपको वेलक्रो लगाने के बाद दोस्तों इसको आसानी के साथ इसको उसी में फिट कर देना है और आपका तैयार हो जाएगा बेड का। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करते हैं दोस्तों, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए फिर दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।